भाग तो गए, तभी उन्हें अंकल के किसी फ्रेंड ने मुझे देख लिया था। मैंने आप सभी को कब्रिस्तान तो दिखा दिया गाइस, अभी वहीं से मैं बच के तो भागा। उन्हें अंकल के फ्रेंड ने मुझे देख लिया था गाइस, तो फिर उन्होंने मुझसे बोला उधर देख वो आ गया। उन्होंने बहुत जोर से बोला था, वहां पर हर की आवाज मुझे सुनाई दी थी, ये मोबाइल में सुनाई नहीं दी। तब भी मेरे को बहुत ही ज्यादा मैं डर गया था गाइस उन अंकल से। गाइस मेरे पास एक दूरबीन रखी है गाइस, तो उसी से मैं देखूंगा गाइस उन अंकल का चेहरा कैसा है, और किसी दिन अंकल मुझे देखेंगे ना गाइस तो फिर मैं ना मैं मोबाइल लेके जाऊंगा और पुलिस को फोन कर दूंगा ये कौन है अचानक से। हाय टॉमी, ये कुत्ता भी मुझे घूरा का ही अंदर का तो कुछ सजा चप्पल उतर गई। उन्हीं बस उन्हीं अंकल का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। जो देखो यहाँ से कब्रिस्तान बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, उन अंकल का कुछ चेहरा देख लो। ये पुलिस को फोन लगा के जेल करवा दूंगा। ऐसे कोई परेशान करता क्या किसी को, कहा गया वही कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। पता नहीं किसी दिन मिलेंगे तो फिर पुलिस को फोन लगा दूंगा, पुलिस का नंबर भी मुझे पता है, बस 100 लिखना आ जाएगा पुलिस का नंबर, 100 ही है बस पुलिस का नंबर। फिर उनकी तो ऐसी की तैसी उनकी भैंस की टांग तोड़ दूंगा, तय कर दोगे मैं कह दाजो में भैंस की टांग वाला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें अंक चेहरा मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है, चक्कर आ रहे मुझे गाइस। गाइस हो सकता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा दूरबीन देख के देखने की जरूरत नहीं, मोबाइल का कैमरा ही है दूरबीन, उससे आप लोगों को भी दिख जाएगा। क्या खड़े होके एक ही जगह बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। कैमरा से फिर बाद में यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। मैं पता नहीं कौन अंकल थे, कब से मुझे घूर रहे थे वहां पे। और देखिए गाइस कैसी हरी भरी सी पत्ती जमीन में लगी है और उसके ऊपर कूदा पड़ा है, लगता है ये कूदा दाना है, यहाँ पे मैं तो कूद। तो वे चलिए गाइस, अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर देना, और अगर आप ऐसे ही किसी अंकल को जानते जो कि कब्रिस्तान में बैठे तो फिर जल्दी से बताना, और अगर आप लोग सुबह नगर में रहते हैं गाइस तो भी अपना एड्रेस तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा, यही पास में तो मैं चाहता रह जाऊँ। साइकिल से आ जाए तो बहुत क्या क्या होती कुछ नहीं। शांति से ब्लॉग बनाना गाइस, शांति से ब्लॉग बनाने को मेरी टाइम नहीं है। अरे राम मेरे ये गाड़ी कहाँ से आ गई, अरे राम मेरे गाड़ी यहीं पे रुकी, अभी मैं ही टकरा के पिचक जाता इसी गाड़ी के नीचे।
चलिए गाइस, मैंने आप सभी को कब्रिस्तान तो दिखा दिया। क्या चीज़? वीडियो बनेगी क्या? हाँ, यूट्यूब पे डालूंगा, दिखा दूँ यूट्यूब में, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। अब मैं काट नहीं सकता इस हिस्से को। इतने ज्यादा धूल है जमीन में, रोड बना तब भी रोड के ऊपर इतनी ज्यादा मिट्टी है, धूल है बादों में। गाइस, ऐसे ही मैं ब्लॉग पे बस टहले जा रहा हूँ, कुछ दिखा तुम कब्रिस्तान में। ऐसे ही ब्लॉग पे अगर कोई टहले जाएगा तो ब्लॉग का क्या मजा। चलिए आप लोगों को मैं फिर से कुछ दिखाता हूँ। ये क्या है? फिर से सुनते कहते जो चीट होती है ना गाइस, मेरे को एक दूसरे के आगे पीछे लाइन बना के जा रही है और पेड़ में जाकर बैठ रही है। वैसे वो चीज की बच्ची है। अरे कार के पीछे दे क्या विशाल? कौन है? अरे मेरा भाई जो छोटा सा बोलेगा। अच्छा, अभी अभी वो मुझसे बात करते करते यहाँ पे गए थे, फिर मैंने आगे का नहीं देखा था, यहाँ पे गए थे। गाइस मुझे तो शांति से ब्लॉग बनाने को मिलेगा, तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग यहीं तक ही गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।